एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के एसीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे केसीआई फैमिली की तरफ से आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी तथा प्रभु गणेश की कृपा आप पर बरसती रहे, आजीवन बरसती रहे। आप अपने जीवन में सुख समृद्धि वैभव यश कीर्ति को प्राप्त करें, इसी कामना के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पौष। पौष जैसे त्योहार के मौसम में हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल वगैरह में शॉपिंग के बाद जब हम बिलिंग करने जाते हैं बिल काउंटर पर, तो वहां जिस डिवाइसेस के माध्यम से हमारी बिलिंग होती है उसे हम पौष कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल पौष मशीन में आपको मॉनिटर, आपका एक प्रिंटर, कार्ड रीडर तथा बारकोड स्कैनर इनबिल्ट होता है, जिसे हम पौष मशीन कहते हैं। और टैली में हम पौष इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, पौष इनवॉइस का इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली पॉस इनवॉइस थैंक यू मैसेज डालने के लिए या अपने कस्टमर को भी डिक्लेरेशन देने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस पॉस इनवॉइस को हम टैली में कैसे बनाते हैं आज हम कंप्लीटली देखते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें तथा न्यू वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और टैली में पॉस इनवॉइस हम कैसे बनाते हैं उसको हम कंप्लीटली देखते हैं। एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमारे स्क्रीन पर टैली ओपन है और टैली में गेटवे ऑफ टैली के मेन मेनू पर हम हैं और यहाँ मास्टर में अकाउंट्स इन्फो पर सुखी। आज का जो टॉपिक है पॉस, तो हम पॉस इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम पहले देख लेंगे। हम गेटवे ऑफ टैली में मास्टर के अंतर्गत अकाउंट्स इन्फो पर चलते हैं और यहाँ से हम वाउचर टाइप में हम पॉस इनवॉइस वाउचर क्रिएट करेंगे। हम क्रिएट पर चले जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पॉस इनवॉइस, पॉस इनवॉइस, यहाँ से एंटर करेंगे। चूंकि हमें पॉस किसके लिए बनाना है, सेल के लिए, तो यहाँ हम अंडर जो इसका सेलेक्ट वाउचर टाइप होगा सेल्स हम डाल देंगे और एब्रिवेशन में आप डालेंगे सेल्स ही रहेगा, एंटर करेंगे। यहाँ से हम आपका मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसे हम ऑटोमेटिक रख देंगे। इन सारी सेटिंग्स को हम एंटर करते हुए चले आएंगे। पॉस में जो मेरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हम पॉस इनवॉइस को जनरेट करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इसे हम यस कर लेंगे बिकॉज जैसे हम वाउचर को सेव करेंगे तुरंत हमारा बिल प्रिंट होकर के आएगा। यूज़ फॉर पॉस इनवॉइस, यहाँ हम पॉस इनवॉइस के लिए इस वाउचर को यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर हम यस करेंगे। जब हम यस करेंगे तो इसमें देख रहे हैं आप मैसेज टू प्रिंट, जो आपको प्रिंट में मैसेज देना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख दीजिए, जैसे हम लिख ले रहे हैं थैंक यू। मैसेज टू प्रिंट सेकेंड में हम डाल देते हैं विजिट अगेन, हम कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया विजिट अगेन। यहाँ हमें डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, जो टाइटल हम प्रिंट करना चाहते हैं, हम पॉस इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पॉस इनवॉइस डाल देते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आप डालना चाहें, पॉस इनवॉइस डाल दिया हमने। नीचे यहाँ पर हम और कोई भी डिक्लेरेशन अगर हमें डालना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ यस कर लेते हैं, डिक्लेरेशन आ जाएगा और यहाँ पर हम कोई भी डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने कोई भी डिक्लेरेशन अलग से नहीं दिया, जो लिखा था ऑटोमेटिक उसे दे दिया। आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे आपको सेल करने के बाद प्रोडक्ट को आपको रिटर्न नहीं लेना है तो उससे रिलेटेड आप डिक्लेरेशन डाल सकते हैं। ये हम यहाँ से एंटर करते हुए आ जाते हैं। आपने देखा नेम में हमने पॉस इनवॉइस डाला, जनरल में हमने सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में सेल्स कर दिया। यहाँ हम सारी सेटिंग को एंटर करते हुए चले आए। अगर हमें नरेशन वगैरह कॉमन करना यस रखेंगे, एंटर करते हुए चले आएंगे। मेन आपका जो पॉस इनवॉइस इसके लिए हम जनरेट करते हैं वो प्रिंटिंग एरिया होता है, तो प्रिंटिंग वाउचर आफ्टर सेविंग यहाँ हमने यस कर लिया। यूज़ फॉर पॉस इनवॉइस को भी मैंने यस कर लिया। मैसेज टू प्रिंट में मैंने एक सिंग में डाल दिया थैंक यू और दूसरे मैसेज में मैंने डाल दिया विजिट अगेन। डिफॉल्ट टाइटल हमने प्रिंट में डाल दिया पॉस इनवॉइस। डिक्लेरेशन मैंने अभी आपको बताया हम यस करेंगे, डिक्लेरेशन लिखने के लिए आता है। जो भी आपको डिक्लेरेशन देना है वो अपने इनवॉइस में जो अपना देना चाहते हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं। हम एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं वाउचर क्रिएट करके देख लेते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, है KCI टेलीकॉम सोल्ड 5 NOS ऑफ Redmi Note 9 Pro Max RS 18,000 टू रजत इन्फोटेक।
कहने का मतलब केसीआई टेलीकॉम ने 5 पीस रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स 18,000 के रेट से रजत इन्फोटेक को बेचा। अब हम देखते हैं इसको टैली मैम करके, हम चले जाते हैं बाउचर में। यहाँ लेजर स्टॉक आइटम ये सारी चीज़ें हमने इसमें बना रखी हैं। जिसे भी लेज़र या स्टॉक आइटम या जीएसटी लेज़र बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लेगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से उसको प्राप्त करें या हमारी प्लेलिस्ट को क्लिक करके सारे वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देख सकता है। तो हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर F8 प्रेस करके सेल्स में जाएंगे, तो वाउचर टाइप चूँकि हमने सेल्स के अंडर में पॉस इनवाइस वाउचर क्रिएट किया हुआ है, तो हम यहाँ से पॉस इनवाइस को चुनेंगे, एंटर करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा पॉस इनवाइस लिख करके आ गया है। इसमें हम रजत इन्फोटेक को माल सेल कर रहे हैं, हमने पार्टी में रजत इन्फोटेक डाल दिया। लेज़र में हमने सेल्स लेज़र किया। आइटम में हम जाएंगे, जो डेट होगा उस डेट में आप कर सकते हैं, हम यहाँ डेट नहीं चेंज कर रहे हैं, एज एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। यहाँ नेम ऑफ आइटम में हम आइटम चुनेंगे, Redmi Note 9 Pro Max एंटर करेंगे। यहाँ ऑटोमेटिक पहले से आ रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर एक सेटिंग होती है F12 अगर हम करके यहाँ करेंगे, तो अगर यहाँ पर आपका स्किप क्वांटिटी ड्यूरिंग पॉस इनवाइसिंग फॉर फास्टर एंट्री, अगर यहाँ पर स्किप क्वांटिटी ड्यूरिंग पॉस इनवाइसिंग फॉर फास्टर एंट्री यस रहेगा, तो आपके क्वांटिटी पर आपका कर्सर नहीं जाएगा और आप वहाँ अपने मन माफिक क्वांटिटी नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम नो रखते हैं और हम क्वांटिटी डाल देते हैं और यहाँ पर हम रेट प्रोवाइड कर देते हैं। 18,000 के रेट से हमने 5 पीस माल सेल करा है, हम यहाँ एंटर करते हैं। यदि हमारे पास और कोई आइटम है तो हम यहाँ पर आइटम को चुनेंगे, अन्यथा हम एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पर हम जा कर के CGST प्रोवाइड करेंगे, CGST था SGST, SGST दे दिया, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करते हुए हम बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे, चूँकि हमने पॉस इनवाइस में सेट किया हुआ है कि जैसे ही हम वाउचर को सेव करेंगे तुरंत आपका बिल प्रिंट होकर के आ जाएगा, तो यहाँ जैसे हम एंटर करेंगे बिल प्रिंट होकर के आपके सामने प्रोवाइड हो जाएगा। हम यहाँ से अल्ट के साथ जेड करेंगे, जूम हो जाएगा और आप देख पाएंगे जो हमने माल सेल किया हुआ है Redmi Note 9 Pro, एक पीस का रेट है 18,000, 5 पीस हमने सेल किया हुआ है तो 18×5=90,000 हो गया। CGST 6% के रेट से 5400 और SGST भी 5400। तो इस तरह से आपका 6% आपको यहाँ नीचे शो कर रहा है। 90,000 पर आपका 5400 CGST हो गया और 90,000 पर 5400 SGST हो गया। टोटल अमाउंट हो गया आपका 10,800 आपका GST हो गया और 90,000 आपका Redmi Note 9 Pro Max का जो रेट है। तो टोटल अमाउंट आपका बनेगा 1,800,000 रुपये। जो डिक्लेरेशन आप डाले रहेंगे वो आपको यहाँ डिक्लेरेशन प्रोवाइड करेगा, तथा थैंक यू मैसेज और विजिट अगेन जो हमने डाल रखा था वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो इस तरह से हम अपना पॉस इनवाइस बिल प्रिंट कर सकते हैं। मैंने पॉस इनवाइस जो टाइटल प्रोवाइड किया था वो यहाँ पॉस इनवाइस का टाइटल आपको शो कर रहा है। बिल नंबर, डेट, पार्टी, एड्रेस, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो इस तरह से हम पॉस इनवाइस को जनरेट कर लेते हैं। आपने देखा कि पॉस इनवाइस को हम कैसे जनरेट करते हैं, पॉस इनवाइस वाउचर हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें हम आइटम की सेलिंग कैसे करते हैं, उसके बाद हम पॉस इनवाइस को कैसे प्रिंट करते हैं, ये कम्प्लीटली आपने देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पॉस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू तथा दीपावली की एक बार आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।